नक्सली कांडों से दोष मुक्त हुए हेमलाल महतो उर्फ गुरुजी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। हेमलाल महतो का कहना है कि नक्सली कांडों से दोष मुक्त होने के बाद भी उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है, जबकि न्यायालय ने पहले ही उसे नक्सली कांडों से दोष मुक्त कर दिया है। मुझे 2012 में पीटा थाना कांड के 2012 में फंसाया गया था। इसके बाद मैं इस केस में मैं जेल गया 30 अक्टूबर 2013 को। जेल जाने के बाद हम ऐसे केस को बिल्कुल एविडेंस के चाहे जैसे भी हो जीते हैं। इसके बाद पुनः मतलब इतना लंबा समय के बाद जबकि केस हमारे पक्ष में है, एक भी एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं गया, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब मेरे खिलाफ एविडेंस हम जीत चुके हैं तो मेरे ऊपर ये मुकदमा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो गलत है। इसके पहले भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मैं पहले मैं जेल में था, जेल में रहने के बावजूद भी हमारे ऊपर केस लगा था, जिसके बदले हमको 4 दिन थाना में पड़ा दिया गया, ये बिल्कुल गलत था। जब सारा कुछ जाँच पड़ताल हुआ मैं उस समय बरी हुआ, चूँकि उसमें रांची जेल में थे, मेरे ऊपर केस लगा था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे ऊपर हो रहा है किसी अन्य पर नहीं हो। बिल्कुल जांच एजेंसी जो सरकारी जांच एजेंसी है सही जांच करे, लोगों को न्याय दे, मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी आप पर देशद्रोह का मामला चलने वाला है, चूँकि पेपर में भी मिला है इस तरह की बात, क्या कहेंगे? क्या मैं पेपर के माध्यम से इस केस को देखा और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन के पास मैं दरखास्त लिखा हूँ। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पहले से आपको बरी कर दिया गया है, परंतु पुनः आप पर देशद्रोह का मामला दर्ज होने वाला है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल झूठा है, जब हम मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है ही नहीं फिर राज्य सरकार कैसे कर सकती है। तो मांग क्या करना चाहेंगे? मांग हम केस से बरी होना चाहते हैं, केस मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं जो भी सरकार हो चाहे प्रशासन हो, अभी तक जो की है बिल्कुल साक्ष का मेरे खिलाफ कोई साक्ष ही नहीं है। ये इस तरह किया जा रहा है तो कितना गंदा बात है बताइए। मेरे साथ क्या किया जाता होगा और किया जा रहा है, पर्सन द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी मेरे ऊपर जब मैं जेल में था रांची जेल में, उस समय भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके खिलाफ हमको 4 दिन जेल मैंने पीटना थाना में रखा गया, जब साक्ष नहीं मिला फिर हमको छोड़ा गया। कब रखा गया था? 2019 में 4 दिन थाना में रखा गया था, जबकि उसमें रांची जेल में थी और हमारे अनुपस्थिति में जेल में रहते हुए हमारा केस लगा। कितना गंदी बात है प्रशासन बताइए, उसके बाद जांच का कोई एजेंसी सही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि प्रशासन दुलमुल रवैया अपना रही, बिल्कुल सही जांच नहीं करती है प्रशासन। निर्दोष लोग फंसता है, दोषी लोग निकल जाता है। आपके ऊपर पुलिस द्वारा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है? एमसीसी धाराएं, सारे एमसीसी की धाराएं। बता दें कि हेमलाल महतो उर्फ गुरुजी पर गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड ने आईपीसी आर्म्स एक्ट 17, एलएलए एक्ट तथा 13 यूपीए एक्ट के साथ कई और धाराओं के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का फैसला लिया है। गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।